जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। विधानसभा में भर्तियों को लेकर बड़ी उत्सुकता कैंडिडेट्स में रहती है, चाहे वो आरओ एआरओ की हो, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की हो, या फिर अलग अलग समूह गौ की भर्तियों को लेकर हो। याद हो इससे पहले भी उत्तराखंड में आई थिंक 32 पदों से ऊपर भर्तियाँ आई थी, जिसमें से समीक्षा अधिकारी के भी कुछ पद थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन बीच में, जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा में बैकडोर की जो एंट्रियाँ थी, ठीक है, उसकी वजह से मामला गड़बड़ा गया और सारी भर्तियों को बाद में जांच के बाद जो एक कमेटी बैठाई गई थी उसने जो है निरस्त कर दिया गया था। अब जो है रिसेंट टाइम में आरटीआई के माध्यम से खुलासा होता रहता है कि इतनी भर्तियां हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की हो, चाहे वो सहायक समीक्षा अधिकारी की हो। रिसेंट टाइम में कई अभ्यर्थियों के द्वारा आरटीआई भी लगाई गई है और एक आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड विधानसभा में सहायक विधानसभा और सचिवालय में कितने पद हैं समीक्षा अधिकारी के और सहायक समीक्षा अधिकारी के। चलिए उस आरटीआई का अवलोकन कर लेते हैं और फिर आगे डिस्कशन करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग खबर उस आरटीआई में ये भी है, वो कौन सी है वो मैं आपको वीडियो के अंत तक बताऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप देख सकते हैं ये आरटीआई है जिसमें सूचना के अधिकार के तहत 24 जनवरी 2024 जो कि इस कार्यालय में फरवरी में प्राप्त हुआ था उसके आधार पर ये सूचना है। उत्तराखंड विधानसभा और सचिवालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती के लिए जो है कितने पद हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सूचना जारी हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपको समझना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सचिवालय में अवगत कराना है कि विधानसभा सचिवालय, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 54 पद हैं। ध्यान दीजिएगा कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 54 पद हैं तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के 42 पद सृजित हैं। तो आप अगर इन पदों का ऐड ऑन कर लेंगे तो 54 जो आपकी हो जाएंगी समीक्षा अधिकारी की। नेक्स्ट जो है आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि एआरओ और आरओ को मिला के 98 पद जो है कि विधानसभा में सृजित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिला के जो है 98 पद यहाँ पर सृजित हैं। तथा अब जो दूसरी बड़ी बात है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि विधानसभा में जिस तरह से बैकडोर की भर्तियों में आवाज़ उठी थी और ये कहा गया था कि इनको जो है और उनका कोर्ट केस भी चल रहा था, तो उसमें जो है बीच में खबर आई थी कि निरस्त कर दिए गए हैं, लेकिन अभी वो मामला जो है कोर्ट में भी चल ही रहा है, ठीक है। अब पता नहीं क्या उसका निर्णय आता है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 की कोटिया कमेटी के संस्तुति के आधार पर माननीय अध्यक्ष, उस टाइम जो कमेटी बनाई गई थी, विधानसभा द्वारा समीक्षा अधिकारी के 13 तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के 35 कार्मिकों को बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्त कार्मिकों से संबंधित जो मामला है अभी भी आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। तो अगर हम इन टोटल पदों को भी जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 + 5 तो 8 और 3 = 4 और ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं 54, ये आप देख सकते हैं जो ऊपर था यहाँ पर, ठीक है, 54 और 42 यहाँ पर आप देख सकते हैं 54 और 42 यहाँ पर, सॉरी 96 था, 98 शायद मैंने बोल दिया वहाँ पर स्टार्ट में, तो 96 यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैं अगर मैं जोड़ दूँ ये 96 हो गए, ठीक है, और यहाँ पर 5 और 3 = 8 = 4 तो आप देख सकते हैं 8 और 6 = 14, ठीक है जी। कुल मिलाकर 144 टोटल पद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं आरओ और एआरओ के। अगर यहाँ पर माने अगर जो विचाराधीन हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 96, बाकी अदर अगर वो भी उनके ऊपर भी अगर डिसीजन हो जाता है या तो वो पद हट जाएंगे या तो अब वहाँ पर वो फिर नई भर्ती में सीधी भर्ती से आएंगे, ठीक है, 144। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली खबर है वो जो है इसके अगले पॉइंट में दी गई है, बिंदु संख्या 2 में, वो ये है कि कोई भी अध्याचन किसी भी आयोग को नहीं भेजा गया है, ठीक है, कोई भी अध्याचन किसी भी आयोग को नहीं भेजा गया। अब मैं एक सर्च करता हूँ कि जो पिछली बार विधानसभा की भर्ती आई थी क्या उसमें आरओ एआरओ के पद थे या नहीं थे।
2021 में ये जो है भर्ती आई थी। यहाँ पर आप पोस्टेस के नाम देखेंगे तो रिपोर्टर 3, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि APS की 5 पोस्टें आई थी। रिव्यू ऑफिसर के आप देखेंगे 2 पद आए थे, ठीक है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिसर्च एंड रेफरेंस के नाम से आया था तो 1 पद, हालांकि इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर इन लिटरेचर मांगी है। एडमिनिस्ट्रेशन 2, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट फोरमैन, सॉलिटरी कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट, ड्राइवर, गार्डमैन। तो यही है, ARO की तो नहीं आई है, लेकिन RO की जरूर यहाँ पर 2 भर्तियाँ आई हैं। तो ये रही डिटेल्स। उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो ये नए पद अगर हम एड ऑन कर लें तो 144 इनका अध्याचन जल्दी इसी लोक सेवा आयोग के पास जाए, और कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।